और कुछ दिन बाद अचानक से सोनिया को उसके घर के बाहर वही रंगोली दिखती है जो चांदनी बनाया करती थी। ये रंगोली तो चांदनी जैसे बनाती थी वैसी ही है, किसने बनाई होगी पता नहीं। तभी वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है और वो जोर से हंसने लगती है। उसे देख के सोनिया डर जाती है। सोहनपुर नाम के गांव में सूरज अपनी बीवी सोनिया, बेटी टूनी और विधवा बहन चांदनी के साथ रहता था। चांदनी छोटी सी उम्र में ही विधवा हो गई थी, तभी से वो अपने भाई के यहाँ पर रहने लगी थी। ये बात सोनिया को अच्छी नहीं लगती थी, वो अक्सर चांदनी को खरी खोटी सुनाती थी। चांदनी को रंगोली बनाने का बहुत शौक था, उसकी रंगोली के आस पास के गाँव वाले सभी दीवाने थे। एक दिन चांदनी आंगन में रंगोली बनाते हुए गाना गा रही थी। रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी, ओ मेरी चांदनी चांदनी, ओ मेरी चांदनी। ओह देखो इस महारानी को, घर का सारा काम छोड़ के रंगोली बना रही है। भाभी वो बस रंगोली बना के सारा काम कर दूंगी। चुप कर मनहूस, पहले अपने पति को खा गई, फिर उस गम से माँ जी भी मर गई और अब हमारी छाती पे मुंह निकल रही है। चांदनी ये सब सुन के रोने लगती है और तभी टूनी आती है। माँ आप बुआ को क्यों बुरा भला बोल रही हो, आखिर बुआ की गलती ही क्या है। तभी वहाँ पर सूरज भी आ जाता है। सोनिया आखिर मेरी बहन के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ी है। हाँ हाँ सबको मैं ही बुरी लगती हूँ। अरे एक विधवा लड़की को अपने घर में रखना, उसका खर्चा उठाना कोई हंसी मजाक नहीं है। अब बस करो भाग्यवान यूं जहर उगलना। चांदनी रोते हुए घर के अंदर चली जाती है और सारा काम करती है। यूं ही समय बीतने लग जाता है। बुआ कहाँ हो आप, जल्दी बाहर आओ, देखो पास के शहर में रंगोली प्रतियोगिता है, आप भी हिस्सा लो ना, मैं फॉर्म लेकर आई हूँ। हाँ चांदनी तुम्हें हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन वो भाभी को अगर पता चलेगा तो। अरे नहीं पता चलेगा, हम कुछ बहाना कर देंगे, अब जल्दी तैयार हो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। चांदनी तैयार होके रंगोली के रंग लेके वहाँ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए चली जाती है और वहाँ जीत भी जाती है। चांदनी का पहला नंबर आता है और उसे इनाम में 10,000 रुपए मिलते हैं। चांदनी खुश होके घर आ जाती है। जब सोनिया को इस बात का पता चलता है तो उसे चांदनी से जलन होने लग जाती है और उसे उस पर गुस्सा भी आता है। वो आधी रात को गुस्से में चांदनी के कमरे में जाती है और उसके माथे पे गमले से हमला कर देती है। चांदनी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है, लेकिन ऐसे अचानक मौत से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, वो चुड़ैल बन जाती है। सूरज और टूनी बहुत रोते हैं और कुछ दिन बाद अचानक से सोनिया को उसके घर के बाहर वही रंगोली दिखती है जो चांदनी बनाया करती थी। ये रंगोली तो चांदनी जैसे बनाती थी वैसी ही है, किसने बनाई होगी पता नहीं। तभी वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है और वो जोर से हंसने लगती है। उसे देख के सोनिया डर जाती है। तुम चुड़ैल कहाँ से आ गई। मैं हूँ चांदनी, आपने मुझे तो मार डाला लेकिन मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, अब वो मुक्ति तो आपके मरने के बाद ही मिलेगी। मुझे माफ कर दो चांदनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। चांदनी हंसती हुई आती है और सोनिया को मारने लगती है। तभी टूनी और सूरज वहाँ पर आ जाते हैं। बुआ माँ को मत मारो, उन्हें माफ कर दो वरना मैं भी आपकी तरह बिन माँ की बच्ची हो जाऊंगी, मेरे साथ भी खराब व्यवहार होगा आपकी तरह। ये बात सुनके चांदनी की आंखें भर आती है। चांदनी मुझे माफ कर दो, मैं भाई होकर भी अपनी राखी का कर्ज नहीं चुका सका, मैं अपनी बहन की जान नहीं बचा सका इस डायन से। हाँ मैं डायन हूँ, हूँ मैं डायन, मुझे मर जाना चाहिए। चांदनी मुझे मार दो, मैं जीना नहीं चाहती। भाभी मैं टूनी को बिन माँ की बच्ची नहीं कर सकती। चांदनी वहाँ से चली जाती है हमेशा के लिए, लेकिन आज भी कहते हैं कि चांदनी के हाथ की रंगोली उनके घर के बाहर से नहीं हटती।